प्रशस्ति प्राप्त करने के लिए आज हवलदार रघुनाथ राम आप अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे। जल यमुना गंगा ओ चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य। भगवान निवासियों का पूरे कैमूर वासियों का जिला प्रशासन कैमूर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। आओ चाह नहीं मैं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर हिलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में कैमूर का स्थान राज्य के अग्रणी जिलों में से एक है। हमारे कैमूर जिला प्राकृतिक ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, जल को प्रदूषण मुक्त रखने, जल स्तर को संतुलित रखने, हरित आवरण को बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने एवं ऊर्जा बचत पर बल देने, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, आहारों एवं पैनों का जीर्णोद्धार कार्य, सार्वजनिक कुओं की मरम्मति तथा सूखा एवं अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। कुल 16,011 कृषकों के बीच वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कुल 1,24,472 कृषकों को राशि वितरित की गई है। कृषि यांत्रिक योजना अंतर्गत 32 लाभुकों के बीच 22,91,000 रुपए अनुदान की राशि दी गई है। साथ ही कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत 1 जीविका समूह एवं 2 लाभुकों के बीच कृषि यंत्र बैंक स्थापना निमित्त 35,24,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना अंतर्गत लगभग 355 लाख रुपए की लागत से कुल 147 बांध एवं पक्का चेक डैम का निर्माण कार्य कराया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।